में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, बताना चाहेंगे क्या मुद्दा है और किस चीज़ के लिए आपने बुलाया मीडिया को आज? बेसिकली जो आज मीडिया मेरे साथ है, क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है बिकॉज एक वीडियो मेरा राखी सावंत जी के साथ लीक हुआ है, लीक क्या हुआ, अपलोड हो गया, सो उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि वो इंटेंशनली मैंने अपलोड नहीं कराया, और वो एक फन था, एक मस्ती था. हम जब बैंकॉक में एक इवेंट के लिए गए थे तो साथ में शॉपिंग कर रहे थे, और शॉपिंग मॉल में बहुत एक बहुत बड़ी शॉप थी जिसमें बहुत तरह के सोप्स रखे हुए थे, सोप्स, नॉट इवन टॉय बस सोप्स. तो वो सोप्स देख के हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, तो हमने सोचा कि चलो हम देखते हैं, मस्ती करते हैं उसके साथ. तो दैट वॉज फन एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो वीडियो अपलोड हो गया, एंड देन फिर हम उसे हटा नहीं सके. सो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि आई डोंट प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पीपल शुड नॉट टेक मी रॉन्ग, बिकॉज दैट वॉज जस्ट अ फन बट नॉट एक्ट आई प्रमोटिंग. लेकिन ये तीर निकल चुका है, अभी लोगों तक पहुंच गया है, विषय का विषय बन चुका है, तो इससे आपकी छवि को क्या फर्क पड़ रहा है? आपको कोई कॉल आया, आपको मार्केट्स में बॉलीवुड में कोई काफी बुरा लग रहा है, आपको क्या है? नहीं देखिए, ऐसा देखिए, यहाँ तो सब बहुत तरह के लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, न्यूडिटी तो पूरी छाई हुई है, जितने भी इंटरनेट के एप्स है जिन पे फिल्में हैं, सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेस न्यूड कर रही है, बड़ा टॉपलेस कर रही है, मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट मैंने आज तक ऐसा नहीं किया. तो जब मेरी एक क्लियर छवि है और मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही रहूँ, अगर मैं उसमें शामिल हो गई तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि 50 बार मैं ऐसे वीडियो कर लूँ या इससे हज़ार गुना आगे भी जा सकती हूँ, बट बिकॉज मैं नहीं चाहती, मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एंड आई एम इन टू डिफरेंट लीग, नॉट ओनली हैविंग दिस काइंड ऑफ वीडियो. सो मैं चाहती हूँ कि ये क्लेरिफाई हो जाए कि ये मैंने प्रमोट नहीं किया है, और मेरे सोशल मीडिया पे मैंने कहीं भी इसको अपलोड नहीं किया है. सो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी तरफ से ऐसा वीडियो मार्केट में आया है. क्या कहानी घटी थी, कैसे क्या हुआ? ऐसा हो गया कि हम एक इवेंट के लिए गए थे और पूरा गैंग था, ग्रुप था हमारा, तो हम शॉपिंग करने कौन कौन थे, बहुत सारे नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन राखी सावंत जी जरूर थी. मैं और राखी हम लोग मिलके शॉपिंग कर रहे थे, और सडनली हमने देखा कि बहुत बड़ी शॉप थी, उसमें बहुत तरह तरह के सोप्स मिल रहे थे. जैसा सोप आपने मेरे हाथ में देखा, वैसे हज़ार तरह के सोप्स थे, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, सोप भी ऐसे आते हैं. तो हमने देख के वो मस्ती किया, और मस्ती मस्ती में राखी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, और उस बेचारे को भी नहीं समझ में आया, उसने अपलोड कर दिया. लेकिन जब अपलोड कर दिया, उसके दो मिनट बाद हमको समझ में आया हमने क्या किया. तब तक तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो वीडियो लोगों तक पहुंच गया, सिंस राखी की अप्रोच बहुत अच्छी है, सारा वीडियो एक मिनट में लोगों तक पहुंच जाता है. जब तक कि मैं बोलती नहीं 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 नहीं, आप सुन सकते वीडियो में बोल रही हूँ, बंद कर कैमरा, बट बाय दैट टाइम वीडियो जा चुका था. बट ठीक है, मैं उसमें कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, वो एक्ट है, उसमें कोई बात नहीं, वी आर हैविंग फन, बट मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू क्लेरिफाई कि आई एम नॉट प्रमोटिंग द एक्ट, बिकॉज आई एम नॉट इन टू दैट कैटेगरी. मेरा अपना एक जोनर है जो मैंने इतने साल की मेहनत से बनाया है, और आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दैट जोनर, वेदर आई एम फेमस और आई एम नॉट फेमस, एंड वेदर आई एम नॉट अ स्टार और आई एम नॉट अ स्टार, बट आई एम पूनम झावर, आई वॉन्ट टू रिमेन द सेम वॉट आई एम. आपको क्या लगता है कि वीडियो बहुत अच्छे से बना हुआ है, कि लोग मानेंगे इस बात को कि वीडियो जल्दी जल्दी में बनाया है, या हम दोनों तरफ से बातें ले रहे हैं? देखिए आप माने ना माने, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बता रही हूँ कि अगर मैं प्रमोट कर रही होती वीडियो अच्छे से शूट करके, तो मैं अपने सोशल मीडिया पे 100% डालती. मेरे भी बहुत सारे फैंस हैं, अच्छा भला सोशल मीडिया है, और एक ही क्यों, मैं तो ऐसे 50,000 वीडियो रोज कर सकती हूँ, आई एम अ ग्लैमरस वन, एंड इनफैक्ट मेरे ऑडियंस मुझसे डिमांड करते हैं कि आप क्यों नहीं करती हैं. बट सिंस मैं उसको नहीं मानती, मेरी कैटेगरी में वो नहीं आता इस तरह के वीडियो, इसलिए मैं नहीं करती. लेकिन वो मैंने अभी बताया कि हम लोग बहुत फन कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ऑब्वियसली जब हॉलीडेज होते तो आदमी फन मस्ती करने जाता है. तो मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा ऐसा हो गया जिसको मुझे बोलना चाहिए कि नहीं भाई, इट इज़ नॉट मी, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, एंड इट इज़ हैपन, सो आई रिग्रेट फॉर दैट. कुछ लोग कुछ भी कहेंगे, आप दुनिया का मुंह नहीं रोक सकते हैं. कुछ लोग कहेंगे पब्लिसिटी स्टंट है,
तो उसमें आपके क्या कहना है उसके बदले में? तो ठीक है, उनको कहने दीजिए ना, मैंने अपना व्यू दे दिया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो इतने साल मैंने क्यों नहीं किया भाई, जब मैं एकदम सीधी साधी रास्ते पे चल रही हूँ, अपने अच्छी फिल्में बनाती हूँ, अच्छे इवेंट्स करती हूँ, सब कुछ, तभी तो कोई नहीं कुछ नहीं बोलता है, अच्छी चीज़ों को तो कोई प्रमोट नहीं करता। अगर ये वीडियो हो गया जब मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल रही हूँ कि आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट, तो इसमें पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है? मेरे सोशल मीडिया पर तो मैंने अपलोड नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं सारा सब कुछ। अगर मुझे पब्लिसिटी करनी है तो मेरे पास हज़ार रास्ते हैं, ये वीडियो इतना से जगह क्यों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाएगा। बट आई डोंट वांट अ चीप पब्लिसिटी बेसिकली, एंड डोंट पुट मी इन टू दैट कैटेगरी, मैं वो कैटेगरी से बाहर हूँ और मुझे ऐसा ही रहना है जैसी मैं हूँ। कुन जी, आपका एक नाम है, ब्रांड है, अक्षय कुमार के साथ सब फिल्में नहीं करते, आपका एक नाम था, एक गाना है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, उसकी पहचान है, पूनम जावर को नहीं पहचानते लोग, उस गाने की वजह से आपकी पहचान करी है इंडस्ट्री में। जी जी, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी छवि को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है? अब मुझे लगता है कि मेरी जो छवि है, मैं एक ग्लैमरस रहना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मैं मरते दम तक ग्लैमरस रहना चाहती हूँ। ग्लैमरस एंड ब्यूटी में बहुत फ़र्क होता है। मैंने जो भी काम किया, छोटा किया, बड़ा किया, अच्छा किया, जो भी काम किया मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा किया है, और लोगों को जजमेंट करने दीजिए, उनको अच्छा लगता है। 100 काम, जैसे मैंने एग्जांपल देता कि अगर एक रवीना जी आती हैं तो आज भी उनके लिए मस्त मस्त बजता है, चाहे 100 फिल्में करी हों, और पूनम झावर आती है तो उसके लिए ना कचरे की धार बजती है। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। डील इज दैट हाउ यू लिव इन योर लाइफ, हाउ यू मेंटेन, ना काम हो के भी आप अपने आप को कैसे अच्छा रख सकते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। एंड मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है किसी भी तरह से मेरी लाइफ से, एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे आई एम। बट आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि इवन राखी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, राखी ने बेचारे ने कुछ जानबूझ के नहीं किया, एक फन में, एक मस्ती में हो गया, और वो भी बेचारी रिग्रेट कर रही है कि यार पूनम मेरी से गलती हो गई, लेकिन अब अपलोड हो गया तो अभी डिलीट करके क्या फ़ायदा। तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ, एटलीस्ट वो फील कर रही है कि यार गलती हो गई, मेरा वीडियो अपलोड कर दिया। बट ठीक है, ऐसा हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने बहुत कुछ किया है, बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ, सो प्लीज़ मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे बारे में उस तरह का मिर्च मसाला लगा के उस वीडियो को अपलोड ना करें, कोशिश कीजिए कि वो उसको एक मस्ती की तरह ही लें आप लोग। इससे पहले भी जैसा आपने बोला बहुत सारे लोग किया, लेकिन मेरे ऊपर ही उंगली उठी, इससे पहले भी हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, हाल ही में साल भर नहीं हुआ उन बातों को, गोवा में एक पार्टी रखी गई थी, सेम इश्यू, उस मॉडल का केक बनाया गया था। अच्छा जी, तो उसके ऊपर भी जब ये वायरल हुआ काफी वीडियो, लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट का, लेकिन पब्लिक से जब पूछा तो पब्लिक ने इसको, किसी ने पॉजिटिव कहा कि अपनी जिंदगी जीने का सबको हक है, अगर हम इसमें एंजॉय कर रहे तो आपको क्या लेना देना, तो उसमें क्या कहना है? कुछ लोगों को कहना था कि अपनी जिंदगी जीने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ कि अगर कोई चीज बनी है, अगर केक बनाया है तो केक बनाने वाले ने वो केक बनाया है, और उसको केक को यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने सोप यूज दिखा दिया कि ये सोप बना है, अब विदेश में ऐसे सोप मिलते हैं, हम भी सरप्राइज देंगे, हमारे देश में तो ऐसा नहीं मिलता, तो वो देख के हमने सोचा कि ये क्या सोप है, हम देख के मस्ती कर रहे थे। अब हमारे यहाँ के लोग हिपोक्रेट्स हैं, अंदर से तो सब फॉलो करते हैं ऐसी ऐसी चीज़ों को, सब बड़े बड़े पॉर्न स्टार को फॉलो करते हैं, अगर हमने कर लिया तो हंगामा मच गया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हंगामा क्यों बरपा है भाई, मैं या कोई भी और, अगर जैसे आपने केक की बात करी, अगर उनको अच्छा लग रहा है वैसा केक काटना तो प्रॉब्लम क्या है, वो केक ही तो है, उसकी शेप एंड साइज को क्या देखना है, मुझे समझ में नहीं आता। एक तरफ हम इतने बड़े पॉर्न स्टार को फिल्म में हमारे सर पे बिठाते हैं, सबको पता है कि किस पॉर्न स्टार, सबको पता है, तो एक ही तो इस भारत में एक ही तो पॉर्न स्टार है जो सबके सर पे नाच रहा है, तो फिर आप उसको आप प्रमोशन करते हैं, उनको आप बड़े बड़े प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उनके मंदिर बन रहे हैं, और एक तरफ हम इंडियन लड़कियों को आपको उंगलियां उठाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? दोनों तरफ आप नहीं हो सकते, एक तरफ आप फॉलो करते हैं, करोड़ों व्यूवर्स हैं, और एक तरफ हमें बोलते हैं कि आपने ऐसा कर लिया, अरे वो ऐसा हो गया, क्या कर दिया भाई, क्यों इतना डिग्रेड कर रहे हो मुझे, आई एम नॉट द काइंड ऑफ, मैं नहीं करूँगी आगे से, अगर आपको नहीं पसंद है तो, दैट्स नॉट सिंपल। आपके नजर में कोई गलत नहीं है, सिंपल है, इसमें गलत क्या है मुझे समझाने, अवेलेबल है मार्केट में सोप के स्टाइल में अवेलेबल है, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसका बताइए, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी और लोगों ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया।
और मुझे लगता है कि अगर मेरे फैंस ओके हैं बट मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली एंड मेरे पीपल जो नहीं चाहते मैं ऐसा करूँ, सो लेट इट बी क्लियर कि मैं जैसी हूँ वैसे रहना चाहती हूँ एंड ठीक है, मुझे कोई शर्म नहीं है। कोई ऐसा वाक्य जो आपको काफी गिल्टी कर रहा हो, आपको कॉल आया हो किसी का, कोई ऐसा वाक्य शेयर करना चाहेंगे आप? अरे यार मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया तू घर से बाहर चले जा, इससे आगे मैं आपसे क्या वाक्य सुने। तो अभी मैं मतलब आई एम फीलिंग वेरी वेरी डाउन बट आई एम नॉट अशेम्ड ऑन इट, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ठीक है मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे जोनर में नहीं रहूँ, मैं इस जोनर से बाहर हूँ और मैं उस एक्ट को रिपीट नहीं करना चाहूँगी किसी भी वे में, एंड दैट्स वाई आई हैव नॉट डन एनी मूवी विच इज़ टॉपलेस विच इज़ न्यूडिटी। इनफैक्ट मुझे बहुत साल पहले प्ले बॉय का बहुत बड़ा ऑफर आया था, अगर आपको मालूम हो, मीडिया को मालूम होगा, सब जगह लिखा हुआ है, प्ले बॉय ने मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया था करने के लिए और मैंने वो ऑफ़र भी ठुकरा दिया क्योंकि मैं एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी आहत करूँ। मेरी अपनी लाइफ का एक फार्मूला है कि बी अ ग्लैमरस बट डोंट गेट इनटू न्यूडिटी, सो मैंने वो प्ले बॉय भी नहीं किया और उसके बाद ऐसी कोई फिल्म अभी तक नहीं ली है जो एप्स पे सारी हीरोइंस कर रही हैं टॉपलेस और व्हाटएवर, आप सबको पता है, बट मैं वो भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि फाइनली आई वांट टू रिमेन द वे आई एम, पूनम झावर, सिंपल। अभी फिल्मों का राखी कितना बिंदास है इस बारे में, राखी से आपने बात की, वीडियो को निकाल दिया, आपने क्यों लिया? देखो राखी इज अ स्वीट गर्ल, बिंदास वो जरूर है लेकिन उसको मेरे लिए जरूर फील हुआ, उसने मुझे कहा कि पू एक सेकंड में लोगों ने डाउनलोड कर लिया, एक सेकंड में अब डिलीट करके क्या फ़ायदा, तो मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, आई मीन बेचारी वो उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसने बोला इसमें है क्या, तुमको क्या करना है जाने दो। मैंने कहा नहीं राखी मैं ऐसी नहीं हूँ ना, लोगों को मेरे बारे में स्पेशली ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं प्रमोट कर रही हूँ ऐसी चीज़ों को, इसलिए मैंने अपने किसी सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट नहीं किया, बट मेरे फैंस ओके हैं, पब्लिक ओके है, जो ओके नहीं है उनके लिए मैं सॉरी हूँ। और अभी बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके? देखिए तीन प्रोजेक्ट हैं मेरे, एक मेरा बॉलीवुड हॉलीवुड मतलब इंग्लिश हिंदी एक्टर्स हैं जिसकी शूट 70% हो चुकी है, 30% बाकी है, तो मेरा पार्ट अभी शुरू होना है, सो वो एक है, बहुत जल्दी आप देखेंगे, और दूसरा एक प्रॉपर इंग्लिश मूवी है जो मैं शुरू करने वाली हूँ 2 महीने के अंदर, और एक बहुत बड़ी सीरियल है जिसकी बात चल रही है, बट मैं सीरियल भी ऐसी करना चाहती हूँ, सास बहू और ननद की सीरियल नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कुछ पॉलिटिकली हो, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरियल हो जो मुझे ऑफर हो, क्योंकि अगर हम उसमें कुछ कर सकें, जब ओ माय गॉड में बिना शब्द बोले अगर मैं कुछ अच्छा एक्शन रिएक्शन दे सकती हूँ तो सीरियल भी वैसी मिलनी चाहिए। सास बहू बनने की मेरी इच्छा नहीं है, एज आई टोल्ड यू मैं ग्लैमरस रहना चाहती हूँ, आई एम अ ग्लैमरस वूमन पूनम झावर, सो आई वॉन्ट टू बी द वे आई एम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सवाल